हमीरपुर में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां एक युवक की हत्या करके उसकी लाश को घर के अंदर ही गाड़ दिया, जिसे खोदकर पुलिस ने बरामद कर लिया है। देवराज नाम का मृतक जो बीते 22 मई से अचानक गायब हो गया था, उसकी आज लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल हुई। ये वारदात हुई है हमीरपुर में मोदहा कोतवाली क्षेत्र के रीवन गांव में। रीवन गांव का रहने वाले 26 वर्षीय युवक देवराज जो 22 मई को अचानक गायब हो गया था और परिजन उसकी तलाश करते करते थक चुके थे, लेकिन कोई सुराग न लगने की स्थिति में उन्होंने 27 मई को मोदहा कोतवाली पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की तो आज देवराज का शव गांव में ही एक घर के अंदर शौचालय के टैंक में बरामद हुआ। युवक की हत्या क्यों और कैसे की गई, इस पर मृतक के परिजन अभी भी साफ साफ कुछ भी कहने से नहीं बता पा रहे हैं। सर, ये जानकारी है मुझे कि मेरे साथ जब ये आया शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास आया हमारे प्लाट में, हम काम कर रहे थे। जब हम काम कर रहे थे तो वहीं पे आके बैठ गया। एक छोटा मेरा भाई था, चचेरा भाई, तो वहाँ पे वो भी बैठा था, ये भी वहीं पे आके बैठ गया। दोनों लोग बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद किसी का फ़ोन आया इसके फ़ोन पे, ये उठ करके वहाँ से चल दिया कान में फ़ोन लगा करके। हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतने के बाद चलाए रास्ते मंदिर तक आए, दिखाई दिए मंदिर के बाद ये इधर बाहर की ओर जाने लगा, हमें दिखाई नहीं दिया, हम अपना काम में लगे हुए। फिर थोड़ी देर बाद हमने करीब इसको 1 घंटे के बाद फ़ोन लगाया, फ़ोन इसका स्विच ऑफ गया। इसके बाद हम थोड़ी देर और देखते रहे, ना ये रात में आया फिर, ना कोई लोकेशन मिली, ना फ़ोन आया। इसके बाद ये हम रिश्तेदारियों में फ़ोन से वैसे किया, दोस्तों से फ़ोन किया, कहीं इसका कोई सुराग नहीं चला। और इसके बाद फिर हम यहाँ वहाँ खोजबीन भी करने लगे, खोजबीन 2-3 दिन तक हम खोजबीन की। इसके बाद फिर हमने इसके 26 तारीख को FIR दर्ज की कोतवाली में जा करके। इतना ही मामला था इसका। तो अभी ये कैसे पता चला कि यहाँ लाश की हो सकती? सर, कुछ उस दिन भी हमें ये था कि शंका में हमने बताया गया था, क्योंकि इसने बताया गया था शंका में हमें ये था कि क्योंकि इसका ये जिगरी मित्र था, दोस्त है, इसके पास ज़्यादातर रहता था ये, और इसी यहीं पे रहता था घर में 3 साल से, बराबर इसका आना जाना था यहाँ पे। किसने इसको मार के गाड़ दिया? सर, ये मुझे मालूम नहीं है। कुछ आशनाई के चक्कर? नहीं सर, कुछ मुझे ये मालूम नहीं इस बारे में। हमीरपुर में मोदहा कोतवाली क्षेत्र के रीवन गांव के रहने वाले देवराज की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद से कोतवाली पुलिस सक्रिय हो चुकी थी, और बीते 2 दिनों की जांच के दौरान जब कई लोगों को पूछताछ की गई तो पुलिस का शक गांव के ही रहने वाले मनोज पर गया। पुलिस ने मनोज को घर से उठाया और जब मनोज से गहन पूछताछ की गई तो सारा भेद खुल गया। मनोज ने देवराज की गला दबाकर हत्या की थी और उसका शव अपने ही घर में शौचालय के टैंक में डाल दिया था और टैंक को ऊपर से बंद कर दिया था ताकि कुछ दिन बाद शव गलकर खत्म हो जाए। मनोज ने अपने करीबी मित्र की हत्या क्यों की, इस बाबत जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों के होश उड़ गए। पुलिस के अनुसार देवराज का मनोज की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसे मनोज ने देख लिया था और तभी से उसने मन बना लिया था कि देवराज का काम तमाम करना है, और मौका लगते ही मनोज ने देवराज की गला दबाकर हत्या कर दी और अपने घर में लाश दबा दी। ये थाना मोदहा क्षेत्र में एक रीवन गांव पड़ता है, यहाँ पे एक देवराज नाम का व्यक्ति रहता था जो कि 22 तारीख को अपने घर से कहीं चला गया था और उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसे खोजा, नहीं वो मिल पाया, तो 27 तारीख को थाना मोदहा पर उसकी गुमशुदगी इन लोगों ने दर्ज करवाई। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद इनके द्वारा ये भी बताया गया कि यहीं गांव के एक मनोज नाम के व्यक्ति की पत्नी से इसका मिलना जुलना था, जिसके आधार पे यहां से कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया, जिसके क्रम में मनोज द्वारा यह बताया गया कि उसकी पत्नी से देवराज के संबंध थे और उस देवराज ने उसका वीडियो बना लिया था, अश्लील वीडियो बना लिया था, इसी को लेकर वो उसे ब्लैकमेल भी करता था। उसकी पत्नी ने उससे ये शिकायत की थी, जिसके बाद इसने उसे अपने घर पर बुलाकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और बॉडी उसकी अपने घर में ही, एक निर्माणाधीन टॉयलेट था उसके सेप्टिक टैंक में, बॉडी डाल दिया।
उसकी निशानदेही पर बॉडी को अभी रिकवर कर लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कितने दिन पहले हत्या की गई होगी? जैसा मैंने बताया कि 22 तारीख को ये व्यक्ति गुमशुदा हुआ था और जो अभी इसने पूछताछ में बताया, इसने बताया कि 22 को ही इसने ये हत्या कर दी थी। तो इस तरह के 4 दिन से लापता युवक की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए शव बरामद कर लिया है और अब कोतवाली पुलिस हत्यारोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।